हेलो हाय दोस्तों, आज का जैसे हमारा टॉपिक है डीजल स्टार्टर के पावर एंड कंट्रोल डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, इसको आज हम आप लोगों को बताएंगे। जब किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है उस वक्त अगर हम आंसर देते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं जिससे हमको इंटरव्यू में फेल होना पड़ जाता है। ओके, इस वीडियो में हम आप लोगों को पावर विथ कंट्रोल मतलब पावर के साथ कंट्रोल जो डायग्राम है उसको एक साथ बताएंगे और साथ ही साथ कंट्रोल डायग्राम को एक अलग से भी बताएंगे, जिससे आप लोगों को हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, जो हर डाउट क्लियर हो जाए, आप लोगों का हर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। मेरा वादा है आप लोग को ये वीडियो देख लेने के बाद ड्यूल स्टार्टर से रिलेटेड दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला सवाल आता है, इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब ये होता है कि इस स्टार्टर के माध्यम से चलने वाली मोटर हमारी डायरेक्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब डायरेक्ट आर वाई और बी सप्लाई के 440 वोल्टेज से कनेक्ट हो जाती है। इसको 440 वोल्टेज डायरेक्ट मिल जाता है, इसलिए इस स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। ओके, तो पहले हम पावर डायग्राम को समझेंगे। इसमें आर वाई जो वी हमारा फेस है, इसमें हमारे सोर्स जैसे ट्रांसफार्मर से यहाँ पर सप्लाई आर वाई वी फेज आई है। ये आर वाई वी फेज हमारा सीधा आगे कनेक्ट कहाँ पर होता है? MCCB या MPCB, दोनों में चाहे MCCB लगाएं चाहे MPCB लगाएं। ओके, जब हम MCCB को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई MCCB के माध्यम से यहाँ पर कॉन्टेक्टर के इन साइड में इनकमिंग साइड पे आकर हमारी सप्लाई यहाँ पर रुकती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जब इनकमिंग सप्लाई पर आकर हमारा कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड पे आकर मेरा सप्लाई रुकी है, कब होगा? जब हमारा कॉन्टेक्टर एनराइज होगा तो हमारी सप्लाई निकलते हुए यहाँ सीधा आएगी फिर हमारे ओवर रोड रिले के पास। ओवर रोड मेरे नॉर्मल है तो हमारी सप्लाई यहाँ निकलते हुए सीधा पर चली आएगी हमारे मोटर के पास। ओके दोस्तों, अब ये कॉन्टेक्टर कैसे ऑन होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे हमारा ये आर फेस से एक वायर हमारा निकल के सीधा कहाँ पर जाता है? ओवरलोड रिले के 95-96 पॉइंट पे। ये हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है, ये मेरा ओवरलोड के हेल्थी कंडीशन को दर्शाता है। अगर हमारा ओवरलोड हेल्थी है तो सप्लाई 95-96 से निकलते हुए सीधा कहाँ पर आएगी? हमारा स्टॉप पुश बटन के पास। स्टॉप पुश बटन के पास आके देखेंगे यहाँ पर सप्लाई मेरे स्टार्ट बटन उसके यहाँ पर एंड पर रुकी रहेगी और वो यही सप्लाई हमारे यहाँ से निकलते हुए फिर चली जाएगी हमारा जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो आयरन ब्लॉक होता है उसके ऊपर जो NC और NO पॉइंट बने रहते हैं वहाँ पर हमारी सप्लाई आके यहाँ पर हमारी रुकी रहती है। ओके, कहने का मतलब हमारे एडोर ब्लॉक में जितने भी NC और जितने भी NO कॉन्टेक्ट हैं, जब मेरा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो NC मेरा NO बन जाएगा और मेरा जो NO है सब NC बन जाएगा। ओके, अब हम जब स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कॉयल है इस कॉयल को आप लोग देखेंगे न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है। अब इसको सिर्फ फेस की ज़रूरत है। फेस कैसे मिलेगा? जब स्टार्ट पुश बटन को यहाँ पर दबाते हैं तो यहाँ फेस हमारा देखिए यहाँ पर फेस निकलते हुए सीधा चल जाता है कॉयल को फेस मिल जाता है। इधर से न्यूट्रल ऑलरेडी मिला है तो इसमें हमारा कॉन्ट्रेक्टर पिकअप हो गया। जैसे हमारा कॉन्ट्रेक्टर पिकअप होता है तो हमारी जो पावर की सप्लाई है इस कॉन्ट्रेक्टर से निकलते हुए आउटपुट होते हुए हमारी ओवरलोड रिले के माध्यम से सीधा मोटर को चले जाता है। अब मोटर में ही हमारी रन करने लगती है। अब एक बार हमारा स्टार्ट बटन को दबाने के बाद हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑलरेडी हमेशा के लिए होल्ड रहे, इसके लिए हम एडन ब्लॉक के एनो कॉन्टेक्ट से सप्लाई निकाल करके हम कॉइल को देते हैं। अब देखेंगे ये एडन ब्लॉक का जो एनो पॉइंट है, अगर जब हम ये आप लोगों से ये बताएं जितने भी एनो है जो मेरा कॉन्ट्रेक्टर पिकअप हुआ था NC बन जाएगा, तो ये जो एनो था ये जब ये पिकअप हुआ था NC बन गया, तो NC बन गया तो हमारी सप्लाई यहाँ पर बाईपास हुई। सप्लाई यहाँ पर बाईपास होते हुए सीधा चली जाती है कॉयल में। तो हमारे कॉयल में चली जाती है तो हमारी कॉयल को हमेशा फेस मिलते रहता है और इसको न्यूट्रल तो ऊपर से मिला फेस मिलता रहता है। ये कॉयल हमेशा कंटिन्यू पिकअप रहती है और हमारा कॉन्ट्रेक्टर हमेशा के लिए होल्ड रहता है। ओके, अब हम आप लोगों को ये बताएँगे कि मेरा ये जो ट्रिप का इंडिकेशन है कब आता है, ये जो मेरा ट्रिप का इंडिकेशन है ये कब आता है। ओके, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं वीडियो। देखिए जैसे हमारा जो 95 के पास सप्लाई आई है हमारा आर फेस सप्लाई यहाँ पर 95 का है, इससे हम एक लूप लेते हैं, एक लूप लेके हम 97 पे कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा नॉर्मली ओपन रहता है। जब हमारी जो मोटर है, हमारी मोटर मान लो नॉर्मल करंट 9 एम्पियर है, इन केस अगर हमारी मोटर नॉर्मल
करंट से अगर अधिक करंट लेने लगे, करंट मतलब 10 11 12 13 14 ऐसा करके करंट लेने लगे, उस वक्त हमारी जो मोटर की ये ओवरलोड रिले की जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप मुड़ जाती है। मुड़ जाने के बाद हमारा जो 95-96 पॉइंट ओपन कर देती है। जब ये 95-96 का पॉइंट मेरा ओपन होता है तो मेरा 97-90 पॉइंट मेरा लग जाता है। जब 97 का पॉइंट मेरा लग जाता है तो मेरा ये जो फेस इस 97 से यहाँ पर निकल के डायरेक्ट चला आता है, कहाँ पर, ये मेरे ट्रिप इंडिकेशन के पास, यहाँ से इसको फेस मिल जाता है। और आप लोग यहाँ पर देखिए, ये इसको न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ से मिलता रहता है, इसको न्यूट्रल यहाँ पर ऑलरेडी मिलता रहता है, तो मेरी जो ट्रिप का इंडिकेशन है ग्लो करने लगती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि मेरा जो ऑन इंडिकेशन वो कब वर्क करता है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस हमारे ऑन इंडिकेशन को न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ से मिल रहा है। ओके, इस ऑफ इंडिकेशन को भी न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ से मिल रहा है। ओके, यहाँ से न्यूट्रल इसको ऑलरेडी यहाँ से मिल रहा है। अब इसको इस ऑन इंडिकेशन हमारा कब वर्क करता है, जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है तो उसके जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट मैंने क्या बताया है, एनो पॉइंट मेरा एनसी बन जाता है। तो जब एनो पॉइंट मेरा एनसी बन जाएगा तो आप यहाँ पर देखें, इस बी फेस से सप्लाई हमारे यहाँ पर एनो पॉइंट पर आकर रुकी है और बी फेस से यहाँ पर एनसी पॉइंट पर भी रुकी है। इस हमारे बी फेस से देखिए यहाँ पर सप्लाई आके एनो पॉइंट रुकी है। जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तो ये जो मेरा एनो है एनसी बन जाएगा। जब मेरा एनो एनसी बन जाएगा तो सप्लाई मेरे यहाँ से क्रॉस करेगी, क्रॉस करते हुए यहाँ पर आएगी, यहाँ के आप हमारे ऑन का जो लैंप वहाँ पर आएगी और इसको न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है और फेस ऊपर से मिल गया, हमारा ऑन इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। ओके, हमारा ऑन इंडिकेशन ग्लो करने लगेगा। अब हम बात करेंगे कि मेरा जो ऑफ इंडिकेशन है, ये ऑफ इंडिकेशन कब वर्क करता है। ओके, तो यहाँ देखेंगे हमारे ऑफ इंडिकेशन को भी न्यूट्रल तो ऑलरेडी यहाँ से मिल ही रहा है, अब इसको सिर्फ फेस चाहिए। और फेस का जब हमारा जो इनकाउंटर जो पिकअप होता है, हमने यही बात किया है, हमारे जितने भी एनसी है वो एनओ बन जाते हैं। तो जो ये हमारा तो एनसी था, ये मेरा काउंटर एनसी था, तो अभी एनओ बन गया है। जब हमारा काउंटर पिकअप होगा तो एनओ बन जाएगा। जब एनओ ये बन जाएगा उस समय हमारा जो ऑफ इंडिकेशन हमारी बंद हो जाएगी, मीन्स बुझ जाएगी। लेकिन जब काउंटर मेरा ऑफ कंडीशन में आएगा, जब हमारा काउंटर ऑफ होगा, तो जब ऑफ कंडीशन में आएगा तो मेरा जो ये हमारी एनसी एनओ बनी रहेगी, फिर से वापस से एनसी बन जाएगी। जब फिर से वापस से एनसी बन जाएगी तो उसके यहाँ से फेस देख रहे हैं, ये बी फेस यहाँ से मिलके बाईपास हो जाएगा, बाईपास से यहाँ आते हुए और फेस यहाँ इसको फेस मिल गया और इसको न्यूट्रल नीचे से ऑलरेडी मिल ही रहा है, हमारा ऑफ इंडिकेशन भी ग्लो करने लगेगा। अब चलिए हम बात करते हैं इसके कंट्रोल डायग्राम को एक अलग से, अगर आपको लोगों को अगर समझाना चाहें तो देखिए, इसको यहाँ पर फेस सप्लाई यहाँ पर मिल रहा है। ये इस फेस सप्लाई कहाँ आ रहा है, एमसीबी में, ये हमारी एमसीबी है। एमसीबी हम यहाँ पर इसीलिए लगाते हैं कि जब हमारी कंट्रोल वायरिंग को अगर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है, उस वक्त हम एमसीबी को ऑफ करके इस कंट्रोल वायरिंग को मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीबी है, अगर एमसीबी को हम ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई कहाँ पर आएगी, आप देख रहे हैं, अगर हमारा ओवरलोड रिले हेल्दी कंडीशन में है तो 95 और 96 के पास आएगी। तो 95 से 96 से सप्लाई हमारी निकल के कहाँ पर आएगी, जो स्टॉप पुश बटन है वहाँ पर आएगी। अब स्टॉप पुश बटन हमारा है अगर हेल्दी कंडीशन में है तो वहाँ से फिर सप्लाई हमारी निकल कहाँ आएगी, स्टार्ट पुश बटन के बाद आकर हमारी सप्लाई रुकी रहेगी। अब हमारा काम है इसको स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना। जब इसको हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेस करते ही फेस यहाँ से इसको मिल गया, इस जो कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के कॉयल को A1 को फेस इधर से मिल गया और न्यूट्रल इसको नीचे से मिल रहा है। जब इसको कॉयल को सप्लाई मिल जाती है तो कॉयल में अराइज होकर कॉन्ट्रैक्टर को मतलब पिकअप कराती है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्टर हमारे पिकअप होता है तो हमने आप लोगों को यही बताया है, तो जो आयरन ब्लॉक रहते हैं उसके जितने भी एनसी रहते हैं वो हमारा एनओ हो जाते हैं और जितने एनओ रहते हैं वो सब एनसी बन जाते हैं, यही मैंने बताया आपको। ओके, तब ये देखिए जो हमारा जो है आयरन ब्लॉक का एनओ पॉइंट है, जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तो एनओ मेरा एनसी बन जाएगा। जब मेरा एनओ एनसी बन जाएगा उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे ये हमारी सप्लाई यहाँ से बाईपास होकर इस कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल को मिलती रहेगी। कहने का मतलब इसको अगर हम छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉइल यहाँ से बाईपास होकर मिलती रहेगी। मेरा होल्डिंग मेरा ऑलरेडी लगा रहेगा और हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी पिकअप हो रहेगा, मोटर हमारी चलती रहेगी। ओके, अब आया कि मेरा ऑन इंडिकेशन, अगर फिर हम अगर बात करें हमारा ऑन इंडिकेशन कैसे चलता है, तो हमने आपको ये बताया था जितने भी ये देखिए मेरा एनओ है, जब एनओ है जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तो एनसी बन जाएगा, जब एनसी बन जाएगा तो नीचे से इसको न्यूट्रल मिलना है और ऊपर से इसको यहाँ पर फ्यूज मिल गया, हमारा ऑन इंडिकेशन ग्लो हो गया। ओके, अब
अब हम बात करें कि मेरे ये ऑफ इंडिकेशन कब वर्क करेगा। ऑफ इंडिकेशन के लिए यहाँ पर देख रहे हैं इसका फेस यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है। जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंडीशन में हो जाएगा तो हमारे जो ये जो यन्नो बना रहेगा बाद में एजेंसी बन जाएगा। जब एजेंसी बन जाएगा तो सप्लाई यहाँ से इसको फेस इसको यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल नीचे से मिल रहा है, ये भी मेरा ग्लो करने लगेगा। अब आ जाए ट्रिप का। ट्रिप के लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मैं ओवरलोड का 95-96 है वो तुम्हारे हेल्थी कंडीशन का है, लेकिन ये जो 97-98 मेरा ट्रिप पॉइंट है, ट्रिपिंग पॉइंट है। अब जब जैसे ही मेरा ओवरलोड ट्रिप होता है तो 95-96 ये ओपन हो जाता है और ओपन हो जाने के बाद ये हमारा जो नॉर्मल में जो यन्नो रहता है ये क्लोज होता है, एनसी बन जाता है। जब एनसी बन जाता है तो सप्लाई यहाँ से बाईपास होकर यहाँ पर कहाँ पर आती है, यहाँ से इसको फेस मिल जाता है और नीचे से इसको न्यूट्रल मिला रहता है। जब इसको फेस ऊपर से मिल जाता है नीचे से न्यूट्रल, ये हमारा जो ट्रिप इंडिकेशन वर्क करने लगता है, ग्लो करने लगता है। ओके, अब हम आप लोग को ड्यूल स्टार्टर के यूजेज के बारे में बात करके ये कौन सी मोटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह लगभग ज़्यादातर 7.5 किलो वाट तक की मोटरों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारी जो मोटर है स्टार्टिंग में फुल लोड करंट का 6 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेती है। अगर मान लो हमारी कोई 7.5 किलो वाट की मोटर है, अगर उसका फुल लोड करंट 15 एम्पियर है, एग्जांपल के तौर पर उसका करंट 15 एम्पियर है, तो 15 का अगर 6 टाइम अगर करें 15 × 6 = 90 एम्पियर। इसी कारणवश से हम ज़्यादा एचपी की मोटरों को ड्यूल स्टार्टर से नहीं चलाते हैं। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि ड्यूल स्टार्टर से कौन सी मोटर चलाते हैं, तो पहला हम एग्जांपल एग्जॉस्ट फैन की मोटर हो गई, दूसरा हमारा कंप्रेसर को चलाने के लिए, और तीसरा हमारा कंप्रेसर का एग्जॉस्ट जो फैन होता है उसको चलाने के लिए, और चौथा अगर हम कहें तो जो हमारी वाटर पंप की छोटी मोटरें होती हैं उनको चलाने के लिए, और अगर पांचवा बात करें तो जो हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है, जैसे अगर कोयले का कन्वेयर बेल्ट है अगर उस पर स्टार्टिंग में लोड नहीं रहता है तो उसको भी चलाने के लिए हम ड्यूल स्टार्टर का उपयोग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारी कंपनी में कभी कभी 50 HP तक या 20-30 HP तक की मोटर भी ड्यूल स्टार्टर चलाते, तो उसका एक रीज़न होता है। वो पहला रीज़न ये होता है कि उस मोटर पे स्टार्टिंग में लोड कनेक्ट नहीं रहता। जब मोटर हमारी रन होने लगती है, नॉर्मल स्पीड में चलने लगती है, उसके बाद उस मोटर के साथ लोड कनेक्ट होता है, ये तो उसकी कंडीशन होती है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर हमारी मोटर एक बार स्टार्ट हो गई है तो लगभग 1 वीक या 2 वीक तक लगातार चलती रहेगी, ऐसा कि नहीं कि उसको हम बार बार चालू बंद कर देंगे, क्योंकि बार बार हम चालू बंद करेंगे तो स्टार्टिंग करंट का मान इतना अधिक होता है कि हमारे जो बाइंडिंग का इंसुलेशन होता है वो वीक हो जाता है। इतना अधिक करंट इस बाइंडिंग से प्रभावित होने के कारण इसका जो इंसुलेशन इसके ऊपर लगा रहता है वीक हो जाता है, जिससे मोटर की लाइफ भी कम हो जाती है और कभी कभार क्या होता है इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि बाइंडिंग आपस में शॉर्ट कर देती है और शॉर्ट करके जल भी जाती है। इसलिए हम जो बड़ी HP की मोटरें होती हैं उनको पहले तो बिना लोड के साथ चालू करेंगे, जब वो नॉर्मल स्पीड पर रन करने लगे तो उसको लोड कनेक्ट करेंगे। और दूसरा कंडीशन होता है अगर उस मोटर को हम चला दिए हैं तो कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगातार चलती रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बार बार चालू बंद करें। ओके दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को शेयर भी कर दीजिए, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ओके, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि हम ये जो आप लोग को वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं ये अच्छा बन रहा है कि नहीं, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।